तो आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म क्या होता है? वैसी घटना जिसमें क्या है, आयरन फिलिंग सब्सटेंस लाइक क्या क्या, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, इतिसी को क्या करता है, अपने टुवार्ड्स को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो वैसी घटना को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिज्म है, सबसे पहले देखा क्या हुआ, थेल्स, ठीक है। ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे। इन्होंने देखा कि एक आइसलैंड पे थे जिसका नाम है मैग्नेशिया, मैग्नेशिया, ठीक है, ये आइसलैंड का नाम है। वहां पे क्या देखा कि आयरन का जो ओर्स होता है वो आयरन को अपने कर रहा है। चूंकि ये मैग्नेशिया आइसलैंड पे पाया गया, इसलिए उस ओर्स का जो नाम है हम लोग क्या रखे, मैग्नेटाइट, ठीक है। यानी जो मैग्नेटाइट जो होता है, ओर्स जो होता है वो क्या है, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल को क्या है, होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी Fe3O4 फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, ठीक है। मैग्नेटाइट ओर्स क्या होता है कि वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। आयरन फिलिंग सब्सटेंस जैसे स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, उसको क्या है, अपने अपने ओर आकर्षित करता है। तो मैग्नेट को जो है हम लोग दो भाग में बांटते हैं, है ना, कौन कौन सा, पहला नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट को हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में। पहला क्या हुआ, ये नेचुरल मैग्नेट, दूसरा क्या हुआ, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट। यहां पर देखिए, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है कि ये मैग्नेट ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, वैसा मैग्नेट जो हमें नेचर से मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटाइट, Fe3O4 इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। ये कहां से मिलेगा हमें, ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, क्या होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल मैग्नेट का, ठीक है। फिर यहां पे है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट जो होता है इरेगुलर शेप का होता है, कोई मतलब कि एक डिफिनिट शेप का नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और वो वीक में होता है, कमजोर भी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से मैग्नेट को हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ, मैन मेड मैग्नेट, है ना, मैन मेड मैग्नेट क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाएगा, ठीक है। इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट जो होता है इरेगुलर शेप होता है, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है और वीक होता है, कमजोर होता है, इसलिए हम लोग क्या किए, आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग बनाए, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा और डिफिनिट शेप होगा, है ना। इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर एंड वीक होता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज नेचुरल मैग्नेट इज इरेगुलर इन शेप एंड वीक इनमें, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं जो क्या होता है, स्ट्रांग होता है और डिफिनिट शेप में होता है। जिस शेप का हमें मैग्नेट चाहिए उस शेप का मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन बन उठता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, सपोज कीजिए कि एक रॉड है जो कि आयरन रॉड है, आयरन और क्या कर सकते हैं, स्टील का कोई रॉड है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल मैग्नेट लेके
क्या करेंगे इस पे रब करेंगे। कितना टाइम्स रब करेंगे, 70 से 80 टाइम्स हम लोग रब करेंगे इस पे। क्या करना है, रब करना है विथ मैग्नेट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो रड है इसमें क्या आता है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है ना, ये डेवलप हो जाता है और ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। यानी सिंपल सा, यदि हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है तो क्या करेंगे, आयरन का रॉड लेंगे, नेचुरल मैग्नेट लिए, उस पर कितना टाइम 70 या 80 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। देखेंगे कि ये भी क्या है, किसी आयरन को आपके कोबाल्ट को निकल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाएगा। सेकेंड, ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए, आपको हम पढ़ाए होंगे सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है, देखिए ये सोलेनाइड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर वाइंडिंग लगाते हैं और क्या डीसी करंट हम लोग क्या करते हैं, पास करवाते हैं। ये सोलेनाइड क्या करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। मैग्नेटिक क्या होता है, बी इक्वल टू मी नोट एन आई, है ना। तो ये क्या है, सेकेंड मेथड है कि हम लोग कोई रॉड लिए, उस पर क्या किया हम लोग, वाइंडिंग किए और डीसी करंट पास करवाए, तो ये जो है क्या करेगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है बहुत टाइप का होता है, हम लोग क्या करते हैं शेप के आधार पर हम लोग क्या करते हैं उसका नेम रखते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट फर्स्ट क्या है, ये देखिए नॉट ये सॉफ्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं बार मैग्नेट बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग बार मैग्नेट। यहां पे देखिए नॉट ये क्या हुआ, सॉफ्ट, ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाउस शू मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हाउस शू मैग्नेट। यहां पे देखिए नॉर्थ और ये साउथ मैग्नेटिक नेडल। टाइप्स ऑफ मैग्नेट हो गया कौन कौन सा, बार मैग्नेट, हाउस एच ओ आर ए सी होता है, एच ओ आर ए सी हाउस शू मैग्नेट मैग्नेटिक नेडल। ठीक है, तो हमें जो अभी जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, बार मैग्नेट देखते हैं, बार मैग्नेट हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है, बार मैग्नेट यही है ना, बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, है ना। डिफिनेशन क्या देंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। इसमें देखिए पोल जो है, एक क्या है नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है साउथ पोल है, यानी क्या पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो सेम होता है लेकिन क्या है अपोजिट है, और क्या है स्मॉल डिस्टेंस से क्या है ये सेपरेटेड है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल एंड सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, यदि ये मैग्नेट है तो यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे क्या ये साउथ पोल है, तो ये जो लेंथ जो कहलाता है, ये लेंथ क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ कहलाता है ना। और ये देखिए ये जो टोटल लेंथ जो हुआ मैग्नेट का, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलेंगे। ये टोटल लेंथ क्या होता है, ये लेंथ, यानी क्या है द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड
इफेक्टिव है ले एंड टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ आता है पोल्स। ठीक है, पोल किसे कहते हैं? तो पोल का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे ये नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल। यहां पे क्या होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने का जो क्षमता जो होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। द लोकेशन ऑफ द मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन पावर इज मैक्सिमम इज कॉल्ड पोल। वैसा लोकेशन मैग्नेट का जहां पे अट्रैक्शन पावर क्या हो मैक्सिमम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे पोल्स कहेंगे। देयर आर लोकेशंस इन द मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन पावर इज मैक्सिमम इज कॉल्ड पोल। ठीक है, जहां पे अट्रैक्शन पावर क्या होता है मैक्सिमम होता है वो क्या कहलाएगा पोल कहलाएगा। पोल कितने टाइप का होता है मैग्नेट में, दो, कौन कौन सा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इट इज represented by the displacement between two poles is called effective length। देखिए यहां पे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है, ये क्या हुआ ये इफेक्टिव लेंथ हुआ एल इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है ना, ये जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ ये एल इफेक्टिव होगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या कहलाएगा ये एल इफेक्टिव कहलाएगा, इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा है ना। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोल्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। रिप्रेजेंटेड बाय द attraction power of pole of a magnet। ठीक है, किसी भी पोल का attraction power कितना है उससे हम लोग वो क्या कहलाएगा पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय m, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं। देखिए यहां पे कोई मैग्नेट है ये साउथ पोल, ये क्या यहां पे नॉर्थ पोल है ये, तो साउथ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या मानते हैं हम लोग माइनस एम, और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या मानते हैं हम लोग प्लस एम मानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, यदि इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसका यूनिट जो होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है, और क्या हो सकता है ये
न्यूटन बाय टेस्ला होता है। डायमेंशन इसका क्या होगा? देखिए यहां पे एम्पियर तो आई, मीटर क्या हो जाएगा? एल, आई एल। स्ट्रेंथ समझिए कि जो अट्रैक्शन पावर पोल का होता है वो क्या कहलाता है? पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ कितना होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। नॉर्थ पोल को हम पोल यदि प्लस एम मानेंगे पोल स्ट्रेंथ, तो साउथ पोल कितना होगा? माइनस एम होगा। ठीक है, ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यूनिट हमेशा आज रिमेम्बर रखना है, एम्पियर इंटू मीटर, और क्या हो सकता है? न्यूटन बाई टेस्ला। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और डायमेंशन क्या होता है? आइए, पूछा हुआ है मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम डायपोल मोमेंट पढ़ा चुके हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। ये देखिए, ये क्या है? डायपोल होता है। इसका डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे देखिए आर ए आर। डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होता नहीं? यानी डायपोल मोमेंट पी इज क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस क्यू इंटू कितना होगा? टू आर, है ना? सेम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, यहाँ पे कोई मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल है, क्या है? नॉर्थ पोल। साउथ पोल क्या मानते हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना? माइनस एम। नॉर्थ पोल कहीं बताया थे क्या हुआ? प्लस एम। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या होगा कि पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? एल है। तो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, सेम एज डायपोल मोमेंट। क्या था? चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। तो हम लोग लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो कैपिटल एम इज का तो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ, कोई भी मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेना है। देखिए यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, या ये कोई भी पोल स्ट्रेंथ बार मैग्नेट क्या होता है? सेम होता है। यानी पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? ये एम। डिस्टेंस कितना? एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का। देखिए क्या होता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए यहां पे डायरेक्शन क्या होगा? देखिए यहां पे डायपोल मोमेंट पे डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे? साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, होगा इसका। ठीक है, यूनिट देखिए, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बताए थे हम लोग? पोल स्ट्रेंथ क्या बताए थे? एम्पियर इंटू मीटर। लेंथ क्या होगा? मीटर। तो क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और क्या हो सकता है? न्यूटन मीटर बाय कितना? ये टेस्ला। डायमेंशन क्या होगा इसका? देखिए डायमेंशन, देखिए यहां पे एम्पियर के आई और मीटर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर। सोच कीजिए कि कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ये
साउथ पोल नॉर्थ पोल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे एल है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इसका पोल स्ट्रेंथ कितना माइनस एम और प्लस एम है। देखिये तो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा एम इंटू एल होगा, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये जो मैग्नेट है दो मैग्नेट लिए सेम मैग्नेट मैग्नेट है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि इस शेप में हम लगाते हैं बेंड कर देते हैं, है ना। ये तो क्या हो जाएगा, ये एल बाय टू यहां से ये लेंथ, एल बाय टू लेंथ है यहां से यही मैग्नेट को हम क्या किए बेंड किए ए साउथ ए क्या हो जाएगा ये नौ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा एम डैश क्या होगा ये क्या होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, ये इफेक्टिव लेंथ क्या होगा यही ना होगा ये तो क्या होगा यहाँ पे देखिए तो एल बाय टू के होल स्क्वायर प्लस एल बाय टू के होल स्क्वायर क्या होगा ये स्क्वायर यानी क्या होगा देखते एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा ये यानी क्या होगा देखिए तो टू एल स्क्वायर बाय फोर क्या होगा रूट अंडर दो यानी कितना जगह एल बाय रूट टू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कितना एम इफेक्टिव लेंथ कितना एल बाय रूट टू यदि ये बार मैग्नेट है तो देखिए एम इंटू एल क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट एम क्या हो जाएगा ये एम बाय रूट टू। सपोज कीजिए कि इस मैग्नेट को हम लोग इस तरह से हम लोग बेंड कर दिए है ना ये तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा देखिए यहाँ पे इस तरह से यदि हम लोग बेंड करेंगे इस मैग्नेटिक मोमेंट के तो ये इक्वल पार्ट में बेंड किए हैं तो ये क्या हो जाएगा लेंथ एल बाय थ्री ए बी लेंथ कितना हो जाएगा एल बाय थ्री ए बी लेंथ कितना हो जाएगा ये एल बाय थ्री लेंथ हो जाएगा ये साउथ पोल ये क्या है नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू कितना इफेक्टिव लेंथ ये देखिए पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा एम वो तो चेंज तो होगा नहीं इफेक्टिव लेंथ क्या होगा देखिए यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ कितना होगा एल बाय थ्री यानी कितना होगा एल बाय थ्री एम इंटू एल क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट एम और इधर क्या होगा एम बाय थ्री ठीक है। सपोज कीजिए कि ये जो रॉड है उसको हम लोग क्या किए सेमी सर्कुलर शेप में क्या है ये सेमी सर्कुलर शेप में हम लोग क्या किए इसको बेंड कर दिए ठीक है। देखिए यहां पे सेमी सर्कुलर शेप है ना ये रेडियस क्या हो जाएगा ये आर हो जाएगा ये क्या भाई साउथ पोल ये नॉर्थ पोल तो देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा आर और आर कितना हो जाएगा ये टोटल लेंथ टू यानी पोल स्ट्रेंथ हमें निकालना है तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा देखिए ये पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा देखिए सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यहाँ पे ठीक है। देखिए यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या होगा ये एम इफेक्टिव लेंथ कितना इंटू टू है ना। अब यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है ये देखिए तो ये सेमी सर्किल है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर यदि पूरा सर्कल बनता कितना होता टू पाई आर सेमी सर्कल है तो कितना होगा पाई आर यानी क्या होगा ये देखिए तो ये पाई आर जो है कितना लेंथ का है एल लेंथ बनता है ना कितना लेंथ ए सेमी सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर कितना लेंथ रॉड को मोड़े हैं एल लेंथ को यानी रेडियस कितना हो जाएगा देखिए तो ये पाई बाई एल यानी यहाँ पे हम रख देंगे यानी एम गुने टू गुने आर कितना है पाई बाई एल देखिए यहाँ पे ना होगा ये एल बाई पाई ठीक है। देखिए एम इंटू एल क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट किसका रॉड है ना बार मैग्नेट का यानी क्या होगा टू एम बाई कितना पाई ठीक है। सपोज कीजिए कि इस मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं कि ये सर्किल बना देते हैं कंप्लीट सर्किल यदि कंप्लीट सर्किल बना देंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाएगा एक ही जगह पॉइंट पे आएगा तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा क्या होगा ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्यों भाई क्योंकि इफेक्टिव लेंथ कितना होगा जीरो जहां पे नॉर्थ पोल होगा वहीं पे साउथ पोल होगा
तो लेंथ कितना होगा, इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा जीरो, सो द मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा जीरो। ठीक है, हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है,